बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको आपके व्याकरण का कुछ पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम तुम्हारे व्याकरण में संज्ञा प्रकरण दिया हुआ है, तो आज हम संज्ञा प्रकरण से ही अपना अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, संज्ञा प्रकरण में जो भी सूत्र हैं उनके बारे में आपको बताने से पहले माहेश्वरी सूत्रों के बारे में आपको बता देती हूँ कि माहेश्वरी सूत्र क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे नए सब्जेक्ट लेते हैं संस्कृत बीए प्रथम वर्ष में, तो उनको ज्ञात होना चाहिए कि माहेश्वरी सूत्र क्या है। बिना माहेश्वरी सूत्र के संज्ञा प्रकरण के सूत्रों का अध्ययन करना कठिन है। तो सर्वप्रथम हम माहेश्वरी सूत्रों का अध्ययन करते हैं। तो मैं आपको आज बता रही हूँ माहेश्वरी सूत्र। ठीक है, माहेश्वरी सूत्रों को मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं कि सर्वप्रथम जब शिव भगवान ने डमरू बजाया तो उनकी डमरू से 14 प्रकार के सूत्र निकले जिनको माहेश्वरी सूत्र बोलते हैं। माहेश्वरी से पता लगता है कि महेश यानी कि शिव के डमरू से निकले हुए शब्द। तो मैं ये माहेश्वरी सूत्र हैं 14। देखिए 14 हैं। है, ये, ते, रे, ते, ले, ने, ना, म, ग, ना, ना, म, है, 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 शे। सॉरी बच्चों, इससे पहले आएगा झे। समझ में आ रहा है ना आपको? ए ई उ ण ऋ ल क ए ओ ङ ऐ ए उ चे ए ये वे रे टे ले णे या म ग ण ना म झे ने ये घे ढे झे शे जब गड़ दश। फिर आएगा खे फे छे ठे थे चे ते चे ते ते वे के पे ये स स स र। चौथा है लास्ट है, ये आपके माहेश्वरी सूत्र हैं। दोबारा से बोल देती हूँ आपको मैं, ए ई उण ऋ ल क ए ओंगे ऐ य उ चे हे ये वे टे ले णे ना म ग ण नम झे ने ये घेड़े जैसे जब गढ़ दश खे फे छे ठे ते चे टे ते वे के पे ये शे शे शेरे हल। ठीक है, ये आपके माहेश्वरी सूत्र। ठीक है, ये आपके माहेश्वरी सूत्र हैं। और इन माहेश्वरी सूत्रों से ही विभिन्न प्रकार के अण, इस तरीके के 42 प्रकार के प्रत्याहार भी बने हैं। जैसे कि अण, मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। जैसे कि अण प्रत्याहार, अब आप सोचोगे अण क्या है? देखिए, अण प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि अ से लेकर के आ ई उ ये ण तक है, तो अण प्रत्याहार में आ ई उ ये परिगणित होते हैं, ये पठित होते हैं कि अण प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ ई और उ ये प्रत्याहार। और हम दूसरा वर्ण लेते हैं, दूसरा प्रत्याहार लेते मान लो अच लिए,
आज प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखिए आ से शुरू करते हैं और एन में जो इतिसंज्ञक वर्ण है उनको छोड़ते जाएंगे, आ ई उ, उसके बाद में री र का छोड़ देंगे, ए ओ ऐसी आई और औ। देखिए ये वर्ण आ गए हमारे अच प्रत्याहार के वर्ण अंदर। तो आप एक चीज देखिए, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर हमें प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि अच प्रत्याहार में इसलिए ही हम स्वर को अच भी बोलते हैं संस्कृत में, कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सारी चीजें एक जगह ही पठित हो जाती हैं, इसलिए हम स्वर को हम अच बोलते हैं। इसी प्रकार हम व्यंजन को हल बोलते हैं ना, हल वर्ण, व्यंजन वर्णों को हम हल वर्ण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर हर प्रत्याहार के अंदर ऐसे शुरू लेकर के ल तक, यानी कि ये एक संज्ञक शब्दों को छोड़ करके, एक संज्ञक वर्णों को छोड़ करके सारे व्यंजन वर्ण परिगणित हो जाएंगे हल वर्णों के अंतर्गत, इसलिए हम व्यंजन वर्णों को हल वर्ण भी बोलते हैं, स्वर वर्णों को अच वर्ण भी बोलते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी प्रत्याहार को बने खर प्रत्याहार बनाया हमने, खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में ये खा जाएगा, सबको हलंत लगाते जाएंगे कि व्यंजन वर्ण हल वर्ण होते हैं, सूत्रों के मध्य में हलवर्ण नहीं लगाए हुए, लेकिन जब हम उनको प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित करेंगे तो हम हलवर्ण लगाते जाएंगे, ख फ छ ठ, इस तरीके से हलवर्ण लगाते जाएंगे और कहां तक आ जाएगा अपना, थ च ट त, उसके बाद में क प, यह छोड़ देंगे संज्ञक वर्ण है, श श और श। इस प्रकार से खल प्रत्याहार, खर प्रत्याहार के अंतर्गत ये सारे वर्ण परिगणित हो जाएंगे। इसी तरह से तुम यहाँ पे यण बना सकते हो, यम प्रत्याहार बना सकते हो। इस तरह से इस माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से 42 तरह के प्रत्याहार हमें बनते हैं। तो ये प्रारंभिक जानकारी थी, ये संस्कृत ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे प्रारंभिक जानकारी यही मिलती है, और इसी के माध्यम से हम संस्कृत का जो विशाल भंडार है उसका हम कुछ अध्ययन कर पाते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको अवसंज्ञा प्रकरण के सूत्र को शुरू कर रही हूँ। एक मिनट, अब हम शुरू करते हैं संज्ञा प्रकरण। ठीक है, अब हम संज्ञा प्रकरण शुरू कर रहे हैं। संज्ञा प्रकरण का पहला सूत्र है हलंत्य। सबसे पहला सूत्र क्या है हमारा? हलंत्य। जैसे कि हलंत्य सूत्र से यह ज्ञात हो रहा है कि उपदेश अवस्था में, एक चीज मैं बताना भूल गई कि माहेश्वरी सूत्र कहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा से ही, उनकी कृपा से ही माहेश्वरी सूत्र महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए थे। उसके बाद महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत का विशाल ग्रंथ लिख दिया। तो संज्ञा प्रकरण के सूत्र हम पढ़ रहे हैं हलंत्य। हलंत्य सूत्र का अर्थ उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम वर्ण की, अंतिम हल वर्ण की इति संज्ञा होती है। दोबारा सुन लीजिए, मैं लिख भी देती हूँ आपको, उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल वर्ण की इति संज्ञा होती है। अब आप सोचोगे कि ये उपदेश अवस्था क्या होती है? उपदेश अवस्था यानी कि सर्वप्रथम उच्चारण, जिसका भी हमें सर्वप्रथम उच्चारण, ये नहीं कि हम जो बोल रहे हो सर्वप्रथम उच्चारण, सर्वप्रथम उच्चारण का मतलब ये है कि महर्षि पाणिनि कात्यायन पतंजलि को संस्कृत का विद्वान, संस्कृत के प्राथमिक व्याकरणिक मुनि के रूप में जाना जाता है, वो त्रय मुनि भी बोलते हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम
जो भी सूत्र दिए हमको या जिन्होंने जो भी हमें धातु वगैरह के बारे में बताया या उन्होंने हमें जो भी सर्वप्रथम जो बताया उनके जो सर्वप्रथम उच्चारण था यानी कि जो भी हमें इन्होंने ज्ञात करवाया उसके जो अंतिम इत्र संज्ञा वर्ण था यानी कि अंतिम हल वर्ण था उसकी इत संज्ञा हो। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ समझ में आएगा। भू धातु है, देखिए भू धातु सर्वप्रथम भू धातु का सर्वप्रथम उच्चारण भू ही है, ठीक है। तो ये भू धातु है वो उसको हम सर्वप्रथम उच्चारण कहेंगे, लेकिन जब वो भो बन जाता है यानी कि गुण हो जाता है तो वो सर्वप्रथम उच्चारण नहीं रहेगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम उच्चारण का मतलब ये है कि जो इन मुनियों ने हमें बताया सर्वप्रथम उपदेश अवस्था में जो विद्यमान रहे उनकी हम उनकी अंतिम हल वर्ण की हम इत संज्ञा करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ अण प्रत्याहार भी मैं शुरू में पढ़ा था। अण प्रत्याहार अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए थे? आ ई और उ और अंतिम वर्ण और था ना ना, ये भी आया था ना ना, लेकिन हमने इसको लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये अण प्रत्याहार जो सर्वप्रथम डमरू से निकले हैं सर्वप्रथम उच्चारण है कभी असत्य नहीं रहे, तो अब ये एंड एंड में निकला है। अण प्रत्याहार में जो नए हैं वो अंतिम हल वर्ण है और अंतिम हल वर्ण होने के कारण इस हलंतिम सूत्र से उसकी इच संज्ञा हो गई यानी कि इसकी इच संज्ञा हो गई और इसका बाद में लोप भी हो जाएगा। उसके बारे में आपको नेक्स्ट सूत्र में समझाऊंगी कि हम ऋण क्यों नहीं लेते, कि बहुत से बच्चों के प्रश्न होते हैं कि अण प्रत्याहार तो ए ई उ ले लिया ऋण क्यों नहीं लिया। ऋण यहाँ विद्यमान है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, उसका लोप हो जाता है। क्यों हो जाता है उसके बारे में हम आगे आपसे विस्तार से मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल आप ये समझिए उपदेश अवस्था में यानी कि सर्वप्रथम उच्चारण के समय विद्यमान अंतिम जो हल वर्ण है उसकी एक संज्ञा होती है, ठीक है। और मैंने आपको उदाहरण बताया जैसे कि अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार में अ ई ओ ये परिगणित होते हैं जो ऋण है इसकी एक संज्ञा हलंतिम सूत्र से हो जाती है। हालांकि एक संज्ञा तीन सूत्रों से होती है उपदेश अजनुनासिक एक सूत्र से और चूटू सूत्र से, लेकिन संज्ञा प्रकरण में हम फिलहाल हलंतिम सूत्र के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सेकंड सूत्र आता है आदर्शनम लोप है, सेकंड सूत्र क्या आता है हमारा आदर्शनम लोप है। तो देखिए आदर्शनम नाम से सुनिए आदर्शनम जो दिखाई नहीं देता हो लोप है उसका लोप हो जाता है यानी जो दिखाई नहीं दे सुनाई नहीं दे उसका लोप हो जाता है, तो ये बना हमारा आदर्शनम लोप है। अब देखिए इसका अर्थ हम क्या लिखेंगे, विद्यमान होने पर भी जो हमें दिखाई नहीं दे वो उसकी लोप है यानी कि लोप संज्ञा होती है। तो ये एक संज्ञा विधायक सूत्र है। कैसा विधायक सूत्र है? संज्ञा विधायक सूत्र। और किसकी संज्ञा के विधायक सूत्र है? ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। तो देखिए आदर्शनम लोप में आप पढ़ाती हूँ कि विद्यमान विद्यमान का दिखाई या सुनाई ना देना आदर्शन कहलाता है, ठीक है। और इस सूत्र से विद्यमान की दिखाई ना देने के कारण इस सूत्र से उसकी लोप संज्ञा होती है, अर्थात ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, ठीक है। यह लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। तो आप समझिए ऊपर आया था अण प्रत्याहार के बारे में हम पढ़े थे, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आ ई और उ यही आए परिगणित हुए। ने यहाँ पर विद्यमान तो है लेकिन जब हम लिखेंगे तो ने नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी इच संज्ञा हो जाती है और इच संज्ञा का लोप भी हो जाता है, वो नेक्स्ट सूत्र में आएगा। तो यहाँ कहते हैं ए ई यू यहाँ पर ने विद्यमान है लेकिन वो ना तो दिखाई देगा ना सुनाई देगा, ठीक है। ए ई उ ही परिगणित होगा अण प्रत्याहार के अंतर्गत, तो इसमें
णय की जो ये णय है इसकी लोप संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो आप उदाहरण में लिख सकते हैं जैसे कि अण प्रत्याहार इसमें ए ई उ ही परिगणित होते हैं, णय विद्यमान होने पर भी दिखाई नहीं देता है इसलिए णय की लोप संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये आप उदाहरण में लिख देंगे। नेक्स्ट सूत्र मैं आपको समझाती हूँ, जब हलंतिम सूत्र से अंतिम हल वर्णिक इत संज्ञा हो जाती है, अदर्शम रूपे से इत संज्ञा पर्ण की लोप संज्ञा हो जाती है, तो तस्य लोपे तो उसका लोप हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र ये कहता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं इत संज्ञक वर्ण की लोप संज्ञा होने पर तस्य षष्ठी विभक्ति एक मुझे ध्यान रखना, इसलिए आएगा तस्य यानी कि उसका लोप हो जाता है। तो इस संज्ञक वर्ण की लोप संज्ञा होने पर उसका लोप हो जाता है, ये भी हम उसके माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं अण प्रत्याहार के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, अण प्रत्याहार इसमें ए ई परिगणित हुआ हुआ ना, तो इसमें उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि अण प्रत्याहार, इस प्रत्याहार में ए ई उ परिगणित है क्योंकि इसमें अण प्रत्याहार के अंतिम न वर्ण की इत संज्ञा व हलंतिम सूत्र से इत संज्ञा होकर के अदर्शनम लोपे से लोप संज्ञा होने के बाद में तस्य लोपे यानी कि इस उपरोक्त सूत्र से उसका लोप हो जाता है। अब आपके आगे समझ में, इसलिए अण प्रत्याहार में ए ई उ यही परिगणित होते हैं। तो ये तुम्हारे तीन सूत्र आज मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, बाकी के सूत्र हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में हम देखेंगे और कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारी संज्ञा प्रकरण कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद में हम संधि यानी स्वर संधि का प्रारंभ करूंगी और स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि संज्ञा प्रकरण कंप्लीट हो जाए।